बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और इसके साथ ये भी उम्मीद है कि सब बच्चे अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 21 जाएगा, जिसकी डेट है हमारे पास 8 अगस्त 2020 एंड डे है हमारे पास सैटरडे। डायरी नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। 2.3 को हमने स्टार्ट किया था और उसके हमने क्वेश्चन नंबर थ्री तक कम्प्लीट कर लिया था अपना काम। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके हम 1 to 5 पार्ट्स कम्प्लीट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, हमने प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगी और उसी को देखते हुए हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है -1/2 + 1/3 = 1/3 + 4 - 1/2। अब आप इस तरह कर सकते हैं, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले सकते हैं, देन राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं एक ही साथ दोनों साइड्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एट अ टाइम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया है। -1/2 + 1/3 = 1/3 + -1/2। एज इट इज़ का स्टेप करने के बाद सारे बच्चे आएंगे। सबसे पहले हम साइंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देखें -1/2 + 1/3 = 1/3 - 1/2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तरफ साइन है प्लस का और एक तरफ साइन है हमारे पास माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम लेने से हमारे पास आ रहा है 6। अब यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और आप देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 का डबल पढ़ेंगे कि 6 आए, 2 3 6, और उस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 3, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है 1 के साथ, तो हम इधर पुट कर देंगे -3 प्लस। अब 3 का डबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 6 आए सेकंड फ्रैक्शन में, 3 2 6, और उस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 2। सेम इसी तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखें पहले प्लस का साइन है, देन हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो पहले हमारे पास आ गया था -3 + 2/6 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास आ रहा है 2 - 3/6। अब यहाँ देखें -3 + 2 हम क्या, हमारे पास आएगा -1, और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा -1/6, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है अब यहाँ पे हमारे पास 2 - 3 मतलब हमें 3 में से ही माइनस करना है, लेकिन हमारे पास जो साइन होगा वो कौन सा होगा, बड़ी वैल्यू के वाला होगा, -1/6। अब यहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सारे बच्चे। 12 - -105 - -15/84 = -15/84 - 12/105। सबसे पहले हम एज इट इज़ का स्टेप करेंगे, और ये वाला आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कि अब हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम अपनी करेंगे जो है राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें 12 - -105 - -15/84, और यहाँ पे अब हमारे पास साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखें फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, 12 - 105 है, और सेकंड फ्रैक्शन में है हमारे पास 15/84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। आप लोग देखें जैसे यहाँ पे है हमारे पास 12 और यहाँ पे है हमारे पास 84, यहाँ पे हम 2 से इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। 2 6 12 and 2 42 84, और इन दोनों फ्रैक्शंस को अब हम सॉल्व करेंगे। 5 3 15 and 5 21 105। अब हम क्या करेंगे, जो सिंप्लीफाई हो गई हैं फ्रैक्शंस वो राइट करेंगे, 6/21 - -3/42। अगेन हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 2 21 42। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 3 and 3 7 21। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, -3/7 - -1/21। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3 and 3 7 21। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, इनको सिंप्लीफाई करके -1/7 - -1/7। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जो है हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, -1/7 - -1/7 - हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और 7 को 7 से तो 49। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 49।
अब आप अपनी राइट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड में था हमारे पास माइनस 15 बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई माइनस 105। अगेन हम इनके इनको सिंप्लीफाई करेंगे कटिंग के मेथड से। फर्स्ट फ्रैक्शन में देखें 15 बाई 84 है और सेकंड फ्रैक्शन में है हमारे पास 12 बाई 105। 15 की और 105 की हमने कटिंग की 5 के साथ। यहाँ पे देखें 3 5 3 15 एंड 521 105। सेम इसी तरह से हम इधर करेंगे 12 और 84 की 2 के साथ, तो 2 6 12 होगा एंड 2 4 2 84। देन हमारे पास जो आ रहा है सिंप्लीफाई करके इन दो फ्रैक्शंस को, वो आ रहा है हमारे पास 3/42 मल्टीप्लाई बाय -6/21। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें 3 है और जो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास 21 है, तो हम कटिंग करेंगे 3 1 3 एंड 3 7 21। सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर 6 1 6 एंड 6 7 42। तो सिंप्लीफाई करके जो अब आ रहा है हमारे पास, वो है -1/7 मल्टीप्लाई बाय -1/7। अगेन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और अगर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1/49। और लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर 49 था, 1/49 था, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास 1/49 है। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए और जो बाकी 3 पार्ट्स होंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप वो खुद से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। 7th क्लास।